सावन का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहती हैं। खास तौर से सोमवार को ये लाइन ज्यादा लंबी हो जाती है, तो वहीं कुछ लोग अपने घर में ही शिवालय बना लेते हैं या बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने घर में शिव जी की प्रतिमा स्थापित न करके उनके लिंगावतार को स्थापित कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो साथ में नंदी को भी रखें। उनकी मौजूदगी से घर में वातावरण शांत रहेगा, साथ ही लोगों में प्रेम होगा और घर में समृद्धि आएगी। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए सबसे पहले आपको शिवलिंग की स्थापना के नियम बता देते हैं। शिवलिंग की स्थापना कभी भी तुलसी जी के साथ ना करें। तुलसी माँ के साथ भगवान शालिग्राम की स्थापना की जाती है। घर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई अंगूठे के ऊपर वाले पोर के बराबर ही हो, इससे बड़ा शिवलिंग घर में तांडव मचा सकता है। शिवजी को साफ सफाई बेहद पसंद है, तो शिवलिंग की स्थापना ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां उनकी पूजा शांति से की जा सके और आसपास की जगह साफ हो। घर में रखे शिवलिंग पर विप्ल पत्र अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शिवलिंग के समीप सदैव माता गौरी गणेश की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। वहीं घर पर स्थापित शिवलिंग पर सदैव जलधारा रहनी चाहिए। घर में बंद स्थान पर शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आपको इसके बाद नंदी की स्थापना कैसे करें इस बारे में भी जानकारी दिए देते हैं। नंदी की प्रतिमा आमतौर पर सोमवार को ही खरीदनी चाहिए। सावन के किसी भी सोमवार को नंदी की प्रतिमा खरीद कर ले आए। इसके अलावा बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को भी ला सकते हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी है, नंदी बैल के स्वरूप में है। भगवान शिव के हर मंदिर में गर्भगृह के बाहर नंदी विराजित हैं। नंदी श्रम और सेवा के प्रतीक माने गए हैं और ज्योतिष और वास्तु में नंदी की मूर्ति का भी काफी महत्व बताया गया है। नंदी की प्रतिमा को घर लाकर उसे काफी साफ बर्तन में कच्चा दूध डालकर एक दो घंटे के लिए उसी बर्तन में रख देना चाहिए। इससे प्रतिमा के सारे दोषों की शांति स्वतः ही हो जाती है। फिर प्रतिमा को कच्चे दूध से निकालकर साफ पानी से उसका अभिषेक करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। फिर कुमकुम और अरबी आदि से नंदी का पूजन करें। उस दिन लाभ का चौघड़िया देखकर उसी मुहूर्त में प्रतिमा को स्थापित करें। कहा जाता है कि तिजोरी या धन स्थान पर चांदी के नंदी रखने से हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तिजोरी अलमारी में एक लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। प्रतिमा को तिजोरी के ऐसे कोने में रखें जहां से उसे बार बार उठाने या हटाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।